अगली खबर खेल के मैदान से। भारत का 19 मैचों में अजेय रहने का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार तोड़ दिया है। पुणे मैच में मेहमान टीम ने तीसरे दिन भारत को 333 रनों से करारी शिकस्त दे दी। अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज में कंगारू टीम 1-0 से आगे हो गई है। साल 2012 के बाद ये घरेलू पिच पर भारत की पहली हार है। वहीं पर 104 पारी में कप्तान विराट कोहली पहली बार शून्य पर आउट हुए। उधर ऑस्ट्रेलिया टीम के स्पिनर स्टीव ओफीफ ने दूसरी पारी में 35 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। मैच में ओकीफ ने 12 विकेट लिए। वहीं पर दूसरी पारी में भारत के 7 बल्लेबाज दाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके। इससे पहले कप्तान स्टीवन स्मिथ ने 109 रनों की शानदार पारी खेली। भारत के सामने 441 रन का विशाल लक्ष्य रखा था, लेकिन भारतीय टीम 107 रन पर सिमट गई और 333 रन से ये मैच हार गई।